अस्सलामुअलैकुम। तो यार जैसा कि अब हमारे असील बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और हमारी ये वाली मुर्गी काले वाली ये भी अंडों पे आ गई थी, लेकिन हमें लगता था कि अगर मुर्गा नहीं होगा तो ये मुर्गी भी अंडे नहीं देगी, लेकिन इस मुर्गी ने भी अंडे देने शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि जब मैंने पहले देखे ना अंडे तो इकट्ठे ही मुझे तीन नज़र आए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इनके पिंजरे में नहीं गया था, बाहर ही ना इनको बाहर से इनको दाना डाल देता था, मतलब बाहर निकाल के इनको दाना डाल देता था और फिर अंदर कर देता था। इसकी इनकी इनका पिंजरा पहले था उस तरफ जहाँ पे हमने वो दूसरे वाले असील रखे हुए हैं, अब बाद में इनको शिफ्ट कर दिया हमने इस तरफ। तो जब मुझे अंडे नज़र आए तब यार मैं भी परेशान हो गया कि अब इसका करूं मैं क्या, मतलब मैं तो इसको ना ही यहाँ पे मुर्गा है ना ही मैं इनको अंडे वाली फीड डालता हूँ, तो फिर अंडे आए तो आए कैसे। और फिर मैंने ना कुछ लोगों से पूछा जिन्होंने ना असील रखे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जब ये मुर्गी अंडों पे तैयार हो जाती है ना तो उसके बाद ये अंडे देने शुरू कर देती है, भला मुर्गा हो या ना हो। अब ये है कि इसने जो अंडे देने हैं ना वो फर्टाइल नहीं होंगे, उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, वो सिर्फ़ आपके ना खाने के लिए इस्तेमाल होंगे। अब मैं आपको इसका अंडा भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये है इसका अंडा, ये वाला। हालांकि ये देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसका वज़न किया तो ये भी 50 से 52 ग्राम तक का था अंडा, जो कि अच्छा खासा साइज़ है। अगर 48 ग्राम का अंडा हो ना तो उसमें से बच्चा काफ़ी अच्छा निकलता है, लेकिन असील का अंडा पहले से ही 52 ग्राम का है। तो इंशाल्लाह इसमें से भी जब हम इनके फर्टाइल एग लेंगे तो उनमें से भी इंशाल्लाह बच्चे बहुत हेल्दी हेल्दी निकलेंगे। पहले ना मैंने ये रखा हुआ था अंदर, ये था इनकी, इनमें इसमें मिट्टी डाल के रखी हुई थी मैंने, क्योंकि इनको मिट्टी में खेलना पसंद था। तो इसमें ना तो ये मैंने अंदर रखे हुए थे, असील की तरफ ये रखा हुआ था और छोटी मुर्गियों में की तरफ वो रखा हुआ बाल्टी रखी हुई थी। इसमें ना फिर मैंने देखे जब मैं दूसरे पिंजरे में गया ना बड़े पिंजरे में मुर्गियों को दाना डालने, तो तब मेरी नज़र पड़ी इस पे, क्योंकि ये दूसरी तरफ पड़ा हुआ था, क्योंकि ये ना दूसरी तरफ इस पिंजरे के दूसरी तरफ नुक्कड़ पे पड़ा हुआ था, कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, इस वजह से नज़र नहीं जाती थी इस पे। तो दूसरे पिंजरे में जब जाके मैंने देखा तो इसमें तीन अंडे पड़े हुए, तो मैंने कहा शायद गलतफहमी हो रही। फिर मैंने दोबारा देखा, वाकई में ही तीन अंडे पड़े हुए थे, मतलब काफ़ी देर से वो अंडे दे रही थी। तो उसके बाद मैंने अंडे निकाले इसमें से और अपनी असील को भाई हम लेके आए इस तरफ, दूसरी तरफ हमने दूसरे असील कर दिए जो हम नए लेके आए थे, और अब पुराने वालों को हम पिंजरे के इस तरफ ले आए। और फिर हमने ये वाली बास्केट रखी, क्योंकि अब इसमें वो आराम से बैठ सकती है, ये बास्केट काफ़ी बड़ी है, इसमें अब हमारी असील आराम से बैठ सकती है और अंडा दे सकती है। जबकि वो दूसरा जो कैन था वो लंबा था लेकिन वो तंग था, उसमें इसको बैठने में तकलीफ़ होती थी। अब ये है कि ये खुला है अंदर, इसमें हमने पराली डाली हुई है तो वो अंडा आराम से दे सकती है, अब इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो कब तक ये अंडे देती है, उसके बाद हम ये अंडे जमा कर लेंगे। मुझे लगता नहीं है कि ना ये हो सकता है कि ये अपने हिसाब से जितने असील अंडे देते हैं 12 या 11, वो अंडे देने के बाद ये कुड़ुक पे बैठ जाए, मतलब कि वो होता है ना मुर्गी बैठ के बोलती रहती है कि उसके नीचे अंडे रखो, फिर वो अंडों पे बैठ के बच्चे निकालती है। मुझे लगता है कि ना मुर्गी करेगी ऐसे, लेकिन हम इसके नीचे अंडे नहीं रखेंगे और इसको कुड़ुक पे नहीं बैठने देंगे, क्योंकि बच्चे निकालने नहीं है हमने, तो फ़ायदा बच्चे निकलेंगे भी नहीं अगर निकालने भी हुए तो। बाकी ये है कि जब तक ये अंडे देती है ठीक है, हम खाएंगे इसके अंडे, उसके बाद फिर इंजॉय। अब देखो ये अपने हद से 12 अंडे देती है या फिर लगातार अंडे देती रहती है, क्योंकि अब ये फर्टाइल भी नहीं है ना, दूसरे अंडे हैं एक तरह के। और दूसरी तरफ हमारे जो असील हैं नए वाले असील, उनका भी हमें इंतज़ार है कि अब कि वो अब कब अंडों पे आएंगे।
इसी तरह जिस तरह ये काली मुर्गी अंडों पे आई है, कब ये भी उसके बराबर की हो गई होगी। तो अभी इनका भी इंतज़ार है कि कब तक वो अंडों पे आएंगे। अब तो अब भाई हम इनको फीड भी नहीं डाल रहे, इनको अगर मैं इसमें अब उज्जा भाई उज्जा, अब ये जो इनका बर्तन पड़ा हुआ है इसमें पालक है, उसके बाद मकई है और गंदुम है, साथ ही वो मिक्स दाना डाला हुआ है हमने। फीड इनकी अब ख़त्म कर दी है, जो इनकी पहले वजन वाली फीड डालते थे ना, वो अब इनको ख़त्म कर दी है। खैर आज तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।